अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामईन और नाजरीन, आज हम बैकर्ड बूटी की तलाश में आए हैं। बैकर्ड बूटी जिसे बांसा भी कहा जाता है, इससे इसमें इसके लिए पहले भी मेरी एक वीडियो आपके सामने आ चुकी है। तो ये इसको खांसी बूटी कहते हैं। ये बहुत मुफीद है खांसी के लिए, खांसी किसी भी किस्म की हो, हत्ता कि टीबी की जो खांसी हो उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। और ये एक ऐसी बूटी है जिसे खांसी के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बलगमी खांसी हो, खुशक खांसी हो, किसी भी किस्म की खांसी हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये एंटी इन्फ्लामेशन भी है, ये सोजिश को भी कम करती है, रेशा बलगम फेफड़ों से वो भी निकालती है। तो इसकी तलाश में आज हम आए हैं। पहले हम मैं ले गया था बूटी, इस पर मेरी एक वीडियो भी है पहले से। तो वो साए में सुखा के खुश करके रख ली जाती है उसके पत्ते, तो उसका जुशांदा इस्तेमाल किया जाता है। और हम सायों में अड़ोस पड़ोस में जिस किसी को ज़रूरत होती है फी सबीलिल्लाह मैं उनको देता हूँ। और आज मैं फिर इसकी तलाश में आया हूँ और ये कलेक्ट करने लगा हूँ। इसकी पहचान भी आपको पहले से भी होगी, मज़ीद आपको करा देता हूँ। आप देखिए, आप मेरे साथ रहिए, देखिए। ये है जी बैकर्ड बूटी। ये रावलपिंडी के इलाके में बहुत ज़्यादा है, ये पहाड़ी इलाकों में होती है। इसके बस पत्ते पत्ते कलेक्ट करने होते हैं। ये हेल्पर मेरे साथ हैं, ये देखो ये कलेक्ट कर रहे हैं पत्ते। तो ये मौसम बरसात में खूब फलती फूलती है। इसके पत्ते बड़े ताज़ा होते हैं, इनमें नमकियात और विटामिन्स बहुत होते हैं और इसमें वो तमाम तासीर जो खांसी में फ़ायदा देती है वो अल्लाह ताला ने इसके अंदर बदरजा आतम रखी हुई है। और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये एक किस्म का जंगल है। इतनी कीमती बूटी है ये कि अगर हुकूमत इस पर थोड़ी सी भी तवज्जो करे या हर्बल कंपनियां इसकी तरफ तवज्जो करें तो केमिकल के बग़ैर खांसी का इलाज मुमकिन है और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। इसका रूप भी तैयार किया जा सकता है, नमक निकाला जा सकता है, इसका शरबत बनाया जा सकता है, सिरप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर नहीं तो ये पंसारी से भी मिल जाती है और बरगे बांसा के नाम से आप पंसारी से तलब करेंगे तो इसका जो शानदार सूखे हुए पत्तों का जो शानदार बना के इस्तेमाल कर लिया जाए। हसब ज़रूरत इसमें शहद डालें या गुड़ डालें तो ये बहुत मुफीद साबित होती है खांसी के लिए। इसका तरीका इस्तेमाल ये होता है कि पत्ते आप सब्ज़ जब कलेक्ट कर लेते हैं तो इनको सबसे पहले आपने पानी में धोना होता है अच्छे तरीके से, ताकि मिट्टी गर्दा गुबार या इस पे जो बाज़ का छोटे छोटे उड़ने वाले परिंदे भी होते हैं तो उनको आपने अच्छे तरीके से पहले धोना है। एक एक पत्ते को अच्छे तरीके से धोना है। धोने के बाद इसको आपने कपड़े के ऊपर फैला देना है ताकि इसका जो पानी है वो कपड़ा जज़ब कर ले। और इसको साए में खुशक करना है, धूप में इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना, साए में इसको खुश्क करना है। तो कुछ ही दिनों में, एक हफ्ता 15 दिनों में ये बिल्कुल खुशक हो जाते हैं। हाथ लगाएं तो ये टूटेंगे, इतने ये खुशक हो जाते हैं। तो फिर इनको आप
किसी भी अपना हवादार बोतल में बंद करके रख लें या किसी ऐसी जगह पे महफूज कर लें कि ये महफूज रह सके, और फिर जब ज़रूरत हो तो इसके आप चंद पत्ते 1.5 कप पानी में उबालना शुरू कर दें, और जब 1 कप पानी रह जाए, इसका असर निकल आता है, तो इसे आप पूर्ण छान कर लें और कप में डालकर इसके अंदर हसबे ज़रूरत गुड़ डाल लें, शक्कर डाल लें या फिर शहद का इस्तेमाल कर लें तो ये और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो वो आप चुस्की ले लेकर नीम गरम सा इस्तेमाल करें, दिन में 3-4 मरतबा इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह ताला जिस जैसी भी खांसी हो, बलगमी खांसी हो, खुशक खांसी हो, रेशे वाली खांसी हो, खून आता हो, बलगम के साथ खून आता हो, हत्ता के टीबी तक की जो खांसी होती है उसमें भी ये बहुत मुफीद साबित होती है। तो ये काफ़ी है, इस पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है ये। अगर हुकूमत इसकी तरफ थोड़ी सी भी तवज्जो दे ना तो हमारे मुल्क के अंदर इस कदर जड़ी बूटियां हैं और मुफीद जड़ी बूटियां हैं कि केमिकल से आपकी जान छूट जाएगी। जो केमिकल गुर्दों को ख़राब करते हैं, लीवर ख़राब करते हैं, स्टोमक का बेड़ा गर्क कर देते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं केमिकल्स, तो उनसे आप बचें और अपने देसी जड़ी बूटियों को अपनाएं। इसी में सेहत है, इसी में तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती अनमोल नेमत है। इन्हीं अल्फाज के साथ अब इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।